Greetings, educators. This lecture from a key resource persons training program by RIE Bhopal for Chhattisgarh and Madhya Pradesh features Professor Mushtaq Ahmed Patel. Professor Patel explores the changing role of ICT in schools, discussing tools, smarter teaching methods, and new pedagogical approaches. He will even demonstrate the mind mapping tool MindMeister for brainstorming. Get ready to transform your classroom. ये है टेक्नोलॉजी का ये असर जो है होता है तो ऐसे होना चाहिए. इट्स ओनली फॉर नेमसेक. नेमसेक और कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करें. आगे जाकर आप देखेंगे कि टेक्नोलॉजी यूज करते करते हम इतने एनग्रॉस हो जाते हैं कि सिर्फ टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं, कंटेंट को भी भूल जाते हैं, पेडागोजी को भी भूल जाते हैं. टेक्नोलॉजी किसको कहते हैं? देखिए टेक्नोलॉजी जमाने के एतबार से बदलती रहती है. पुराने जमाने में जब पेपर इजाद हुआ, जब पेपर इन्वेंट हुआ तो पेपर नई टेक्नोलॉजी थी. रेडियो का आविष्कार हुआ तो रेडियो नई टेक्नोलॉजी थी. फिर टेलीविज़न आया तो टेलीविज़न नई टेक्नोलॉजी थी. आज कंप्यूटर आया है तो कंप्यूटर ये नई चीज़ें हैं. तो टेक्नोलॉजी ज़माने के साथ बदलती है, लेकिन टीचर बदला क्या, स्टूडेंट बदले क्या, तो ये दोनों तो मेन फैक्टर्स हैं ना. उसके बाद कंटेंट भी इम्पोर्टेंट है. ये देखिए, ये कुछ पिछली स्लाइड आपने देखी, कुछ पिक्चर्स मैंने बताए. यहाँ पे एक स्लाइड है, इन पिक्चर्स को देखिए, पुरानी पिक्चर्स को इस पिक्चर्स को कंपेयर करके बताएं क्या दोनों में फर्क नजर आ रहा है. PLM का उपयोग, PLM का उपयोग किया गया है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है जी. स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट बोर्ड है जी, यूजर फ्रेंडली लग रहा है. जी जी. तो यहाँ पे देखने की ये चीज़ है कि टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन इस स्लाइड में ज़्यादा किया गया है. पुरानी क्लास में टेक्नोलॉजी हाँ, इस वाले पिक्चर्स में जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमें एनीवेयर एनी टाइम यस. तो देखने का नज़रिया है, देखिए यहाँ पे एक टीम टीचिंग है, दो टीचर्स एक क्लास को पढ़ा रहे हैं. तो हमारे यहाँ पे जहाँ मैं अपने स्टूडेंट्स जो टीचर्स बने हुए हैं उनको पूछता हूँ तो पता चलता है कि 70-70 बच्चों को एक टीचर क्लास में डील करता है. तो हम दो टीचर्स का या टीम टीचिंग का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है. हो सकता है कि जो प्राइवेट कॉलेजेस स्कूल्स हैं उनके अंदर हो, लेकिन अभी टीम टीचिंग यहाँ पे नहीं आया है. टीम टीचिंग करते हैं तो क्या होता है, एक टीचर जो है क्लास मॉनिटर करता है, दूसरा जो है कंटेंट ट्रांजैक्ट करता है, तीसरा जो है बैठ के इवैल्यूएशन करता है, कोई स्पेशल चाइल्ड है तो उसको देखता है. नए मेथड्स हैं जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं. बताइए सर. जी 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 पूरी कोविड पीरियड में कोई पीरियड नहीं, या कोई टीचर एक्स्ट्रा क्लास लेना चाहता है तो उसकी से 15-20% उपस्थिति रहती है. मैं आप सही कह रहे हैं. देखिए मैं इंडियन डिस्टेंस एजुकेशन एसोसिएशन हूं. हाँ उस पे कभी आप उसको ऑनलाइन कर देते कितना पार्टिसिपेशन कर सकते हैं. कैसे मान देखिए सर, ये दो स्लाइड को एक पहले आफ्टर कंपेयर कर ये आप सही कह रहे हैं सर. देखिए तस्वीर मैम बताएं. बिल्कुल सही है,
इम्पोर्टेंट चाहे प्लीज सर हूँ वहां पर या मैं हूँ, क्या किस सर्विस कन्वे कर रहे हैं, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो। ऑनलाइन भी कई क्लासेस ऐसी होती है, हम लोग भी प्रिपेयर करते हैं, सर भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, सभी करते हैं। हम सोचते हैं कि 10 में से 5 क्लास तो हम भी बंद करके पढ़ते हैं, लेकिन 5 क्लास उसमें भी बंद करके पढ़ते हैं, क्योंकि जो हमने बताया होता है जैसे सर का प्रेजेंटेशन है, अभी सर ने कंप्लेन करके बताया तो आप इतनी देर तो देख ही रहे हैं उसको, आप देखने के चल रहे हो उसको। ये एक महत्वपूर्ण बात होती है कि क्या आप बता रहे हो, कैसे बता रहे हो। सर ने अभी सबको इतनी देर जोड़ ही लिया ना, अगर नहीं लिखा होता तो नहीं। जो एक बार और मैं कहना चाहूंगी कि ये ऑनलाइन को यहाँ दिखाने का मेरे तात्पर्य ये है कि बिना टेक्नोलॉजी के आप लिमिटेड स्टूडेंट्स को कन्वे कर रहे हो, दे पा रहे हो अपने इन्फॉर्मेशन को, और टेक्नोलॉजी का यूज करके उसी इन्फॉर्मेशन को आप ऑल ओवर कंट्री में, मतलब सभी स्टूडेंट्स को उसको आप उस इन्फॉर्मेशन। इत्तेफाक की बात है, आप जो पॉइंट कह रही हैं वही हुआ। मैं अभी अंजलि मैडम के साथ पहली बार आया है यहाँ पे, फिर दूसरी बार, आज तीसरी बार आप लोगों के साथ आरआई भोपाल में हूँ। इस दौरान डेवलपमेंट ये हुआ कि जो कंटेंट हमने यहाँ पे तैयारी की, इसी का प्रेजेंटेशन दूसरे दूसरे जगहों पर मुझे करना पड़ा। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में है उनका, फिर अमरकंटक में इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी है उनके लिए, हमारी यूनिवर्सिटी के लिए, कई जगह इस तरह के प्रेजेंटेशन सेम कंटेंट सिमिलर कंटेंट पे मुझे करने पड़े, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी हुआ है। आप जैसे कह रही हैं एक क्लासरूम में जो डिस्कस कर रहे हैं वो सारी चीज़ें ऑनलाइन मैं इतने सारे लोगों तक पहुंच चुका हूं, ये चीज़ है। और मैं ये जो कंटेंट अभी मैं आप लोगों के साथ ट्रांजैक्ट कर रहा हूं, कोशिश ये भी करता हूं सर कि मैं इसकी एक वीडियो रिकॉर्डिंग करूं। वीडियो रिकॉर्डिंग करके, अब मेरे पास कोई बहुत सारे गैजेट्स नहीं है, सिर्फ मैं हूँ, मेरा कंप्यूटर है, मेरा पीपीटी है और आप लोग हैं डिस्कशन में, इतने ही लोगों को लेके, या तो आप समझिए कि आप ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, आप स्क्रीन पर दिखेंगे, यहाँ पे स्क्रीन पर नज़र नहीं आ रहे हैं क्योंकि कैमरा सिर्फ मुझे रिकॉर्ड कर रहा है। इतनी ही चीज़ों को लेके मैं रिकॉर्ड करता हूँ, और इन अगर ठीक ठाक रहता है, मुझे वक्त रहता है क्योंकि एडिटिंग भी करनी होती है, तो एडिटिंग इसलिए कि गैप्स आते हैं, आवाज़ सही से नहीं होती है या कुछ मिस्टेक्स भी हो जाती हैं, तो उसको ठीक करने के लिए देखना, आधा घंटे का प्रोग्राम है तो एक घंटा देखना पड़ता है बारीकी से, फिर उसकी कटिंग एडिटिंग वगैरह जो है काफ़ी टाइम लेता है। हम प्रोफेशनल नहीं हैं, बहुत सारे और दूसरे कामों में रहते हैं, अगर टाइम मिलता है सैटरडे संडे बैठ के करते हैं, वरना तो ये प्रोग्राम ज़ाया हो जाता है। तो यहाँ पे बताने का मकसद ये है, हाँ, इंडियन डिस्टेंस एजुकेशन एसोसिएशन सर ने कहा कि यहाँ पर बच्चे वॉलंटरीली और फुल इन्वॉल्वमेंट के साथ नज़र आ रहे हैं, तो इंडियन डिस्टेंस एजुकेशन एसोसिएशन का, जो इंडिया का डिस्टेंस एजुकेटर का एसोसिएशन है, मैं हर महीने एक प्रोग्राम करवाता हूँ, वेबिनार करवाता हूँ, आज तक उसके 13 प्रोग्राम हुए हैं। 13 प्रोग्राम में आप देखिए, आप भी टीचर हैं, हम भी टीचर हैं, हम लोग इन्फॉर्मेशन तो सबको दे देते हैं, तकरीबन 400-500 लोगों को या उससे ज़्यादा ही इन्फॉर्मेशन देते हैं। रिजल्ट जैसे सर कह रहे हैं, रिजल्टेंट आप देखिए कि 20, 25, 30, 40, कभी 70 लोग उतना ही जो है आपके प्रोग्राम में शामिल हो पाते हैं, सभी लोग नए शरीक होते हैं। तो ये जो है हायर लेवल पे हो या इवन हमारे एकेडमिक सर्कल्स में हो, ये थोड़ा सा कम दिलचस्पी नज़र आती है, अगरचे के वो बच्चे खुद चाहें मुझे पढ़ना है तो वो शामिल होंगे, वरना तो नहीं शामिल होते हैं। ये चीज़ आप सही आइडेंटिफाई किए हैं, आई एग्री विद दिस। यहाँ पे भी देखिए, टीचर जो है कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो है क्लास में पढ़ा रही हैं, और बच्चे सभी दिलचस्पी के साथ देख रहे हैं। दूसरा एक टीचर जो ट्राइबल एरिया में है, वो भी कम गैजेट्स का इस्तेमाल करके अपने कंटेंट जो है रिकॉर्ड कर रहा है और दूसरों तक पहुंच रहा है, यही इसका मकसद है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इसके आगे स्लाइड भी आएगी, जो एजुकेशन है फोर वॉल्स ऑफ द क्लासरूम तक न रहते हुए पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड पहुंच रही है, ये चीज़ है। तो मैं इन दोनों स्लाइड से आप लोगों को बताना चाह रहा था कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इस्तेमाल होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप ये कर रहे हैं, बेफिक्र रहे हैं कि टीचर का रोल कहीं जाने वाला नहीं है, टीचर का रोल रहेगा। टेक्नोलॉजी विल नेवर रिप्लेस ग्रेट टीचर्स, बट इन द हैंड्स ऑफ ग्रेट टीचर्स इट्स ट्रांसफॉर्मेशनल।
कोई भी टेक्नोलॉजी टीचर को रिप्लेस करने के लिए तैयार नहीं हुई। न रेडियो तैयार हुआ, रेडियो आया इसलिए कि टीचर को रिप्लेस करें, न किताबें आई इसलिए कि टीचर को हटाया जाए, न टेलीविज़न न कंप्यूटर, कोई चीज़ ऐसा नहीं आई कि टीचर को रिप्लेस करें। अलबत्ता टीचर्स ने किताबों का बेहतरीन इस्तेमाल करके इस एजुकेशन से इंटीग्रेट करते हुए बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ाने का तरीका अपनाया है। रेडियो का इस्तेमाल हमने खुद किया। मैं सुबह आप लोगों को बता रहा था कि हमने ढेर सारे प्रोग्राम कन्नडा, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, इन लैंग्वेजेस में और डिफरेंट सब्जेक्ट्स में हमने कर्नाटका से किए हैं जो बहुत पॉपुलर रहे। इसी तरह के दूसरे प्रोग्राम ऑल ओवर इंडिया भी रिप्लिकेट हुए। तो यानी एजुकेशन रेडियो जो है, जब मार्कोनी ने इन्वेंट किया था, कभी ये नहीं सोचा था कि हमारे हर क्लास में रेडियो के जरिए एजुकेशन होगी। टेलीविज़न जब आया, साइट का प्रोजेक्ट आया, टेलीविज़न किसी और मकसद के लिए आया, लेकिन एजुकेशनल पर्पस के लिए इग्नो ने और दूसरे यूजीसी ने कंट्री वाइड क्लास के तौर पर इस्तेमाल किया। इसी तरह से कंप्यूटर का इजाद किया। लेकिन जो ये सारे टेक्नोलॉजी जो है इंटीग्रेट करने वाला फोकल पॉइंट रहेगा टीचर। टीचर का रोल बदलता जाएगा, लेकिन टीचर जरूर रहेगा ताकि एजुकेशन चलती रहे, ऐसा जॉर्ज कोरस ने कहा है। आज के प्रेजेंटेशन में मैं आप लोगों को आईसीटी इन एजुकेशन, एजुकेशन में आईसीटी क्या है, योर प्रेजेंटेशन वाज वेरी नाइस वन, आईसीटी इन एजुकेशन, अब पहले सबसे पहले एजुकेशन क्या है उसको लेते हुए मैं आईसीटी इन एजुकेशन के बारे में डिस्कस करूंगा। टूल्स फॉर टीचिंग, टीचिंग के लिए कौन कौन से टूल्स हैं, मैं चाहूँगा कि आप लोग बताएं मुझे, क्योंकि आप लोग डायरेक्ट टीचर्स के साथ जुड़े हुए हैं। पेडागोजिकल अप्रोचेस, अगर आईसीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो किन पेडागोजीज का या किन टीचिंग मेथड्स का आप इस्तेमाल करेंगे। इंटीग्रेटिंग अक्रॉस द करिकुलम, मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि डिफरेंट डिफरेंट करिकुलम, करिकुलम का माने ये नहीं है कि सिर्फ साइंस पढ़ाया जाए या मैथमेटिक्स पढ़ाया जाए, सभी सब्जेक्ट्स करिकुलम में कवर होते हैं। तो इंटीग्रेशन उसके बारे में बताऊंगा। असेसिंग एंड इवैल्यूएटिंग में, इवैल्यूएशन में किस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, यानी टीचिंग में भी, लर्निंग में भी और इवैल्यूएशन में भी। फिर इसके साथ कल मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट, टीचर को टेक्नोलॉजी दी जाए तो टेक्नोलॉजी को समझना होता है पहले, व्हाट दिस टेक्नोलॉजी। जब तक आपको कोई एक नई गाड़ी आ जाए तो आप पहले समझेंगे कि इसका एक्सेलरेटर कहाँ है, ब्रेक कहाँ है, कितनी स्पीड तक जा सकती है, कौन से गियर में कहाँ चला सकते हैं, आप पहले गाड़ी को समझने की कोशिश करेंगे, यानी टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। जब टेक्नोलॉजी समझेंगे फिर उसका इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए जो है प्रोफेशनल डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। फिर ये सब टेक्नोलॉजी को जब आप अडाप्ट करेंगे स्कूल के अंदर या टीचिंग लर्निंग के अंदर, तो कुछ चैलेंजेस भी आएंगे। कुछ चैलेंजेस आएंगे तो उनका हम डिस्कशन करेंगे। ट्रेंड्स इन आईसीटी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबके पास स्मार्टफोन अवेलेबल है। स्मार्टफोन को अभी मैं कुछ स्क्रीन्स बताऊंगा, उसको आपको स्कैन करना है। स्कैन करके जो है आपने अपने जवाब उसके अंदर लिखना है। सबसे पहले आईसीटी का इंडिया में जब यूसेज, वैसे तो 1956 से वगैरह चल रहा है, 1980 में काफ़ी पॉपुलर हुआ। आईसीटी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारे ज़िंदगी के हर हिस्से में वो शरीक है। आईसीटी का पहली बार जिक्र जो है इंडिया में देखने में मिलता है 2004 में आया। फिर उसके बाद 2010 में जो है अपॉर्चुनिटी दी गई सेकेंडरी और प्राइमरी एजुकेशन में, ताकि उनके जो है कैपेसिटी बिल्डअप हों। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट से मैंने लिया है। इम्पैक्ट ऑफ लर्निंग हमें देखने में मिलता है, डिजिटली लिटरेट एंड अंडरस्टैंड हाउ टू इंटीग्रेट, ये यूनेस्को ने कहा है। अब सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि आईसीटी क्या है। आईसीटी वो डिवाइस है, एनी डिवाइस, एनी प्रोडक्ट, आपका कंप्यूटर है, आपका मोबाइल है, इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होगा। स्टोर क्या आपके कॉन्टैक्ट्स आपके मोबाइल में स्टोर हैं? क्या आपके फोटोज आपके मोबाइल में स्टोर हैं? नहीं, स्टोर नहीं है। नहीं मतलब डिवाइस के अंदर स्टोर हैं,
तो वो जो क्या कहलाएगा, आईसीटी डिवाइस कहलाएंगे। पहले आपके इंफॉर्मेशन स्टोर होने चाहिए। क्या वो स्टोर इंफॉर्मेशन को आप कभी भी दोबारा देख सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं, देख सकते हैं, किसी का भी एड्रेस, किसी का भी फ़ोन नंबर ले सकते हैं, तो ये आईसीटी डिवाइस है। क्या आप किसी का फ़ोन नंबर चेंज कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है? आप किसी का भी फोन नंबर अपने डिवाइस पे तो चेंज कर सकते हैं, कंप्यूटर पे भी चेंज कर सकते हैं। हो सकता है आपने मेरा नाम मुश्ताक पटेल के तौर पर सेव किया हो, अगली बार आप चाहें प्रोफेसर मुश्ताक पटेल के नाम से तो मैनिपुलेट कर सकते हैं। आप इन इंफॉर्मेशंस को दूसरों को दे सकते हैं क्या, ट्रांसमिट कर सकते हैं? दैट इज पॉसिबल। सो रिसीविंग इंफॉर्मेशन, तो इस तरह के जो भी चीजें कर सकते हैं, ये सब अगर कर सकते हैं तो वो डिवाइस कहलाएगा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डिवाइस। इसमें हार्डवेयर भी होते हैं, इसमें सॉफ्टवेयर भी होते हैं। जैसे देखिए प्रिंटर, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैब्स, ये जो गूगल मीट, गूगल स्प्रेडशीट वगैरह जो है उसकी एग्जाम्पल्स हैं। यूनेस्को भी जो है आईसीटी इन एजुकेशन के लिए अलग से एक मुहिम चलाता है ताकि उसका इंटीग्रेशन हो। आईसीटी एडमिशन से लेके टीचिंग लर्निंग होते हुए इवैल्यूएशन तक हर हर स्टेप्स में हमें मदद करता है। आज आप देखते हैं कि एडमिशन्स जो है ऑनलाइन हो रहे हैं, ये आईसीटी की वजह से हो रहे हैं। टीचिंग लर्निंग भी जो है ऑनलाइन हो रहा है। ऑनलाइन भी आप बहुत सारी चीज़ें, आपके बच्चों के असाइनमेंट वगैरह किस तरह से उनको आते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू दे दिया जाता है। व्हाट्सएप के थ्रू दे दिया जाता है, या तो क्लास में लिख के लाते हैं या तो व्हाट्सएप के जरिए आप तक पहुंचता है। तो इसी तरह से इवैल्यूएशन भी हो रहा है। पहला सर्वे है आपको मैं दे रहा हूँ, मेरा सवाल आपके मोबाइल पे आएगा, आप स्क्रीन को स्कैन करें या तो आपके गूगल क्रोम में ये पूरा का पूरा टाइप करें। मैं जो भी करीब का स्क्रीन है, या तो उस स्क्रीन पर या तो इस स्क्रीन पर आप कर सकते हैं। ये क्यूआर कोड आप स्कैन करें, सिर्फ अपना कैमरा उसकी तरफ रखें, नीचे एक लिंक आएगा, लिंक को क्लिक करें। गूगल लेंस या तो कैमरे से भी कर सकते हैं, सिंपल कैमरा आपका मोबाइल का कैमरा जो है करीब वाली स्क्रीन पे क्लिक करें सर। हाँ, मोबाइल के कैमरे से लाइए तो कैमरा कैमरा ले लें आप। पढ़ना जा रहा है हाँ, नीचे नीचे कुछ लिखा हुआ आ रहा है, लिखा हुआ आ रहा था। ये हाँ, यस 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 हाँ, कैमरा से उसको क्लिक करें सर। करने से ना फोटो मत लीजिएगा, करीब तो रखिए उसको। जैसे आप किसी को पेमेंट करते हैं, आपके ये भी आ जाएगा। रूम से हाँ, हो गया, आपने भर दिया। वन सर्वे किसी का आ गया है। अच्छा, सुनना ना, नहीं वो तो गेस्ट गेस्ट में चलेगा। हाँ जी जी मैम, जो कैमरे से सर, कैमरे से भी आएगा। ये भी आप लेकिन मिसिंग बोल रहे हैं, मिसिंग बोल रहा है। हाँ अच्छा, अरे किसी ने जवाब दे दिया है ना। ये देखिए, मैं सिर्फ कैमरे से स्कैन कर रहा हूँ। यहाँ पे नीचे एक लिंक दे रहा है, उसको क्लिक करना है। चार सर्वे आ चुके हैं अभी सर, तक देखिए कैमरा जी। ये देखिए हाँ जी, क्लासिक सर, थोड़ा रखिए थोड़ी देर नीचे आ गए। तीन चार हो गए, चार हो गए, एक और चले गए, किसी का डिलीट भी हो गया। चार चार, देखिए पांच हो गए, तीन आ चुके हैं। क्रोम से करिए सर। तो आपने कैसे किया था? गूगल क्रोम में जाइए।
चलिए मैं अगले स्लाइड को चलता हूँ, ये डेटा अभी यहाँ पर नहीं दिखा रहा हूँ। चले मैक्सिमम सभी के पास मोबाइल है, स्मार्टफोन है। मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। आईसीटी इन एजुकेशन, एजुकेशन किसको कहते हैं? एजुकेशन का मतलब क्या है? शिक्षा। शिक्षा तो हिंदी में हो गया, लेकिन शिक्षा किसे कहते हैं? शिक्षा क्या वही है जो क्लासरूम में होती है? स्वतंत्र नागरिक बनाना अपने आगे के भविष्य के बारे में, हाँ कुछ उद्देश्य होता है उसका, हाँ कर पाए। शिक्षा को कहाँ तक आप सीमित रखेंगे? क्लासरूम तक रहेगी? असीमित है, असीमित है। हाँ, किसी भी पर्पस पे, किसी भी पर्पस के लिए। हाउ मेनी ऑफ योर स्कूल टीचर्स यूज मोबाइल? एक अंदाजा बताइए कि आपके साथी जो है, समझिए कि 10 हैं, 10 में से कितने शिक्षक जो है इस्तेमाल करते हैं? एजुकेशन के लिए मत बोलिए अभी, क्योंकि और यानी 100% यूज करते हैं। ठीक है, अभी इसका डिस्प्ले यहाँ पे नहीं आ रहा है, मैं उस डिस्प्ले के पास नहीं जा रहा हूँ, अब मैं शिक्षा के पास आ रहा हूँ। ठीक है, अब तक मैंने सिर्फ आपके मोबाइल के बारे में पूछा, टेक्नोलॉजी के बारे में बताया। अब देखिए कि आईसीटी इन एजुकेशन का मतलब, एजुकेशन यहाँ पर जब मैं कह रहा हूँ, शिक्षा जब कह रहा हूँ, तो ये क्लासरूम तक ही सीमित नहीं है, क्लासरूम से बाहर भी रहेगी। घर में जो बच्चा सीखता है शिक्षा है, मार्केट में जो जाके पूरी लाइफ का सीखता है, तो ये जो है शिक्षा जो है पूरी, जब बच्चा पैदा होता है, गहवारे में होता है, वहाँ से लेके जब कब्र में जाता है, तब तक जो भी सीखता है, जो भी मसले मसाइल हल करता है, सारी शिक्षा का नतीजा है। तो जो है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हमारे एक दोस्त है रियल स्टेट में, जी हमारे एक दोस्त है रियल स्टेट में, तो मैंने पूछा कि वो एरिया में क्या रेट चल रहा होगा, तो कहते हैं मुश्ताक भाई फिक्र ना करो, मेरे पास मैजिक बॉक्स है, अभी पता करके बताता हूँ। मोबाइल उठाया, सारी चीज़ें पता करके बता दी, अब मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन खुद ब खुद आ जाती हैं। एक नसीरुद्दीन शाह की फिल्म थी ना, जिसमें कहते हैं कि देखिए हमारे ज़मींदार साहब के पास अब आवाज़ भी कैद होती है, ग्रामोफोन प्ले करते हैं, अब तो हमारे पास आवाज़ क्या, पूरा फिल्म में कैद है, हम कभी भी देख सकते हैं। उसी वायरस की बात हुई थी, हाँ बिल्कुल। हमारे बच्चों के डॉक्टर थे, विपिन बाबू हैं डॉक्टर हैदराबाद में, उन्होंने कहा कि इस तरह की बीमारी आने वाली है, यानी अब सोचू तो लगता है कि प्री प्लान्ड ही था, पता नहीं था। जी ये सारी चीजें, जी तो यानी देखिए बच्चा पैदा होने से मरने तक भी जो जो भी मालूमात हासिल करता है वो एजुकेशन है, जो स्कूल में भी होती है, स्कूल से बाहर भी होती है। तो लेकिन यहाँ पर आईसीटी का जब जिक्र करते हैं हम, ये व्हाइट बोर्ड्स हैं, ऑनलाइन स्टडी वेबसाइट्स है, लर्निंग एप्स है, कंप्यूटर सिमुलेशन, ये सारी चीज़ें आईसीटी का इस्तेमाल करके भी हम एजुकेशन दे सकते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट आईसीटी की बिल्कुल ज़रूरत है, उसके बिना एजुकेशन नहीं होगा, नहीं है। माँ के साथ बच्ची खाना बनाना सीखती है, कौन सी आईसीटी है?
वो भी एक एजुकेशन का हिस्सा है। बड़े घर आते हैं, दूसरों से किस तरह से व्यवहार करना है सीखती है। कौन सी ICT सिखा रही है, एजुकेशन का हिस्सा है। किसी घर में बच्चे अच्छा बर्ताव करते हैं तो कितनी अच्छी शिक्षा दी है आपने, बोलते हैं। जबकि जो है अगर कोई बच्चे सही ढंग से पेश ना आए तो हम कहते हैं कि क्या तालीम दी है आप, कोई भी अच्छी तालीम नहीं है। तो यानी देखिए, तालीम एजुकेशन शिक्षा जो है क्लासरूम तक सीमित नहीं है, आगे भी है। भी बड़े बहुत सारी चीज सीखते हैं, उनके लिए भी वो पहली शिक्षा होती बिल्कुल सही है। ऐसा बात नहीं सारे बड़े टीचर्स हैं, मतलब उम्र का समझ से कोई लेना देना नहीं। है, नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं। जरूरी नहीं कोई उम्र में है तो काफी नॉलेज होगा उसको या बहुत ग्रेविटी वाला होगा, ऐसा कुछ नहीं है। छोटे से भी सीखा जा सकता है। हर एक से भी सीखा जा सकता है। अब जैसे मैडम मैडम प्रेजेंट कर रही थी, मैं बैठ के देख रहा था, सुबह सर प्रेजेंट कर रहे थे, मैं देख रहा था। देखिए जब 3D8 में उसने कहा है ना, ज्ञान की बारिश होती है, बैठो और सीखो। सीखने में क्या जाता है, कोई पैसे तो एक्स्ट्रा नहीं लगते हैं। आप चूंकि मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ, आप लोगों के साथ में हूँ, बैठ के कुछ सीख लूँ तो बहुत अच्छी बात है। तो एजुकेशन तो हर जगह चलती रहती है, लेकिन ICT टीचिंग लर्निंग में क्यों होना चाहिए? मैडम ने TPACK का मॉडल दिखाया, उसके बाद और एक मॉडल का जिक्र किया, SAMR। तो उसके अलग शक्ल में मैं अपने तौर पर यहाँ पे पेश कर रहा हूँ। देखिए ये टीचिंग एंड लर्निंग है, ये भी टीचिंग एंड लर्निंग है, ये भी टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग एंड लर्निंग घूम रही है ICT के। बहुत सारे लोग, हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि किसी भी टेक्नोलॉजी को अगर ये कहा जाए, आप DLED या BEd के बच्चों को कहिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके टीचिंग करिए, तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को घुसाने की कोशिश करते हैं। कंटेंट पेडागोजी सारा दूर किनारे रह किनारे में रह जाता है। बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है। देखिए टीचिंग एंड लर्निंग जो है सेंटर में होना है, टेक्नोलॉजी जो है साइड में होना है। तो ये ऑब्जर्वेशन को ही मैंने यहाँ पे बताया है। ये क्यों हो रहा है, क्यों हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा घुसेड़ने की कोशिश कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को? क्योंकि इंक्रीज एक्सेस टू ICT। अब आप यहाँ से जाएंगे तो हो सकता है कि आप बदले बदले नज़र आएँ, आप टेक्नोलॉजी बहुत जानते हैं, कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। इंक्रीज अवेयरनेस, इंक्रीज एक्सेस। अगर समझिए कि पहले अभी आप लोगों ने डिस्कशन में बताया कि हेडमास्टर जो हैं जब भी नई टेक्नोलॉजी आती है उसको लॉक करके रखते हैं, अरे मैं रिटायर्ड हो रहा हूँ, मेरी पेंशन रुक जाएगी, मैं इसको नहीं दूंगा, इसका टूट जाएगा तो फिर मेरे से रिकवरी होगी। ये इवन रेडियो के ज़माने में है, क्योंकि हमने प्रैक्टिकली स्कूल्स जाके देखा है, रेडियो रखा रहता था, वो रेडियो का भी इस्तेमाल नहीं करते थे उस जमाने की टेक्नोलॉजी, वो बहुत बेहतरीन थी। इंक्रीज्ड एक्सेस, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी हो रही है। फिर पॉलिसीज़, हमारे पॉलिसीज़ भी कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो। ख़ास तौर पर अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी आप देखिए, ये कह रहा है कि टेक्नोलॉजी को हर जगह इस्तेमाल करिए, टीचिंग के लिए इस्तेमाल करिए, लर्निंग के लिए इस्तेमाल करिए, इवेल्युएशन के लिए इस्तेमाल करिए, प्राइमरी लेवल पे इस्तेमाल करिए, सेकेंडरी पे इस्तेमाल करिए, ग्रेजुएशन पे, रिसर्च में भी इस्तेमाल करने कह रही है। अब जब कोई कहता है तो हम उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। इस्तेमाल ऐसा करते हैं, सेंटर में टेक्नोलॉजी को रखते हैं, बाकी सारी चीज़ें उसके अतराफ घूमती हैं। तो ICT एज ए फोकल पॉइंट, मैं यहाँ पे लास्ट में कह रहा हूँ, नॉट डिजायरेबल। क्या ये आप पसंद करेंगे कि ICT को सेंटर में रख के कंटेंट को घुमाया जाए? मैं अच्छा सा अच्छा पिक्चर, अच्छा सा अच्छा डायग्राम आपको पेश करूं, कंटेंट कुछ ना मिले तो आप इंटरेस्टिंग रहेंगे क्या? थोड़ी देर तक पिक्चर पे इंटरेस्ट रहेगा, फिर पिक्चर पे हटता जाएगा। तो ये पिक्चर जो है सपोर्टिंग टेक्नोलॉजी होना चाहिए, सपोर्टिंग होना चाहिए, ना कि मेन टेक्नोलॉजी होना चाहिए। अगला सवाल आपके लिए उसी मोबाइल पे, उसी स्क्रीन पे आपके सामने आएगा। अभी स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है, आप वही क्रोम पे जाएं, आप जवाब दें। अच्छा, बाहर होने की ज़रूरत नहीं, आप थोड़ा सा घुमाइए, वो ऐप खुला है तो आ जाएगा। व्हाट ICT टूल डू यू यूज़? कौन सी ICT टूल आप इस्तेमाल कर रहे हैं? रेडियो, कंप्यूटर, टेलीविज़न या और कुछ? अभी आप जाए ना, उसमें लगातार जुड़े रहें, क्योंकि इसी को हम आगे बढ़ाते रहें जी। हाँ, मिनिमाइज करके रखे रहें, बहुत सारे मेरे सवाल जो है इसमें आते रहेंगे, आप जवाब देते रहें।
आपने पोल एवरीवेयर कितने लोगों ने इस्तेमाल किया है इस टेक्नोलॉजी को आपने किया हो? जी हम टिस वाले प्रोग्राम में ये तो सभी में होता है आजकल स्कैनिंग। हाँ नहीं, ये आपने यूज किया है क्या पूछ रहा हूँ? हाँ polleverywhere.com को यूज किया है क्या? बहुत सारी टेक्नोलॉजी होती है अलग अलग तरह की। जवाब आए हैं जिसमें ये वर्ड क्लाउड फॉर्म कर रहा है। वर्ड क्लाउड जितना जॉब जो ज्यादा होगा वो बड़ा होगा, यानी मुझे ये बता रहा है कि यहाँ पे मोबाइल इस्तेमाल करने वाले ज्यादा हैं रेस्पोंडेंट्स। कुछ लोगों ने लैपटॉप भी यूज किया है, कुछ ने कहूट भी यूज किया है, किसी ने गूगल फॉर्म भी इस्तेमाल किया है, माइक्रोसॉफ्ट भी इस्तेमाल किया है। चले हम आगे की कहूट आप इस्तेमाल करते हैं सर, बहुत अच्छी बात है। तो आगे चलते हैं फिर। आप इसको खुला रहने दें, मैं लगातार सवाल आपके पूछता रहूंगा। व्हाट एप्स डू यू यूज इन योर मोबाइल? अभी एप्स हैं आपके मोबाइल में, बहुत सारे एप्स हैं। कौन कौन से ऐप आप इस्तेमाल करते हैं? जो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं दो या तीन लिखिए, वो चाहे व्हाट्सएप भी हो, लेकिन यह ख्याल इस बात का रखिए कि एक ही वर्ड लिखें, व्हाट्सएप एक ही वर्ड लिखिए, क्योंकि ये वर्ड क्लाउड बनाता है। वर्ड क्लाउड, जैसे ही मैं स्क्रीन चेंज करूंगा ये नया सवाल आपके सामने आएगा। मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ व्हाट एप्स, एप्स कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं? मोबाइल लैपटॉप तो डिवाइस हो गया, कौन से एप्स मोबाइल में यूज कर रहे हैं आप? मेंटीमीटर यूज कर रहे हैं, कनेक्ट यूज कर रहे हैं, इंस्टाटेक, गूगल मीट। गूगल मीट को एक ही वर्ड लिखे हैं क्योंकि गूगल मीट दो अलग अलग वर्ड ले रहा है। वर्ड क्लाउड बन रहा है, वर्ड क्लाउड, वर्ड का क्लाउड। हाँ आपने लिखा और किसी ने लिखा है। गूगल का वर्ड एक से ज्यादा बार यूज हुआ है जिसकी वजह से वो बड़ा नजर आ रहा है। मीट भी दो तीन लोगों ने लिखा होगा इसलिए ये भी बड़ा नजर आ रहा है। एक ही वर्ड लिखने से क्या होता है, वो वर्ड मोटा और बड़ा नजर आता है, बाकी जो ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं वो काफी बड़ा इसमें नजर आता है। व्हाट्सएप भी देखिए बहुत सारे लोगों ने रिस्पॉन्ड दिया है। गूगल के बाद अगला जो है सबसे ज्यादा यूसेज जो है व्हाट्सएप वाला नजर आ रहा है। चले अगला, दीक्षा का आपने इस्तेमाल किया है, व्हाट्सएप का आपने इस्तेमाल किया है, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल किया है, फिर जो है कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हैं, ट्विटर का आपका आपने इस्तेमाल किया है, फेसबुक का, मेंटीमीटर, कनेक्ट, हाँ ब्रेनली, वैक्स, पता नहीं, और एनएलडी, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को एनएलडी लिखा है शायद। तो बहुत सारे ऐप्स आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर डिस्कशन करने का मकसद ये है कि जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी पता चले, जो जो लोग नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं उनको ऐप्स के नाम भी पता चले। दैट इज़ माई पर्पस, क्योंकि ICT का मतलब सिर्फ हम कंप्यूटर तक रखते हैं, गूगल मीट तक रखते हैं या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तक रखते हैं, इससे ज्यादा भी ICT का यूसेज है। तो आप देखने से आपको पता चल रहा है, जूम की मीटिंग है, बहुत सारे टेलीग्राम का ऐप है वगैरह। अब देखिए, अभी किसी ने बताया, शायद आपने बताया था सर, कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल से जो है क्लासरूम से बाहर भी एजुकेशन जा रही है क्लासरूम तक। डिस्प्ले नहीं हुए, मैं सोचा वो आ जाएगा लेकिन अभी उसको दूंगा तो फिर कनेक्टिविटी। मैं चाहूंगा कि अगर टाइम मिलता है कल मैं आपसे ये भी डिस्कस करूं कि ये जो मैंने बनाए हैं क्वेश्चंस किस तरह से बनाए हैं, आप भी उसको ट्राई आउट करें। हो सकता है कि हम सेशन जो है वहाँ पे ICT लैब में लें, ताकि कंप्यूटर सामने होगा आप लॉग इन करके उसमें कर सकें, वरना तो मोबाइल में भी किया जा सकता है, लेकिन वहाँ पर करने से आपको थोड़ा सा स्क्रीन बड़ी नज़र आएगी। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल।
मैं संजय सर से रिक्वेस्ट करूंगा आप भी बताएं, सुबह का क्लास आईसीटी लैब में रखते हैं 10 to 11:30। अब यहाँ पे देखिए कि स्टूडेंट इन द क्लासरूम वर्सेस आईसीटी बेस्ड एजुकेशन, आईसीटी का इस्तेमाल करके आप अपनी क्लास को क्लास से बाहर भी जो है आप अपनी एजुकेशन ले जा सकते हैं। वो कैसे? बी इन टच विद फ्रेंड्स एंड शेयर होमवर्क। क्या आपके अपने बच्चे भी जो है अपना होमवर्क एक दूसरे से शेयर करते हैं क्या? व्हाट्सएप के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए शेयर करते हैं? तो यानी अभी टीचिंग लर्निंग सिर्फ क्लासरूम तक न रहते हुए क्लासरूम से बाहर भी टीचिंग लर्निंग हो रही है। क्या आपके सभी के रिलेटिव्स एक ही शहर में, एक ही गांव में रहते हैं क्या? नहीं रहते हैं, कभी कभी कंट्रीज़ भी मुख्तलिफ कंट्रीज़ में भी रहते हैं। तो बच्चे जो है अपने बड़ों के साथ बात करते हैं, बात करते वक्त स्कूल के बारे में भी बात करते होंगे, टीचर कैसी हैं, क्लास टीचर कैसी हैं, अपना दोस्त कैसा है, क्या पढ़ रहे हैं, बात करते हैं नहीं करते हैं? करते हैं। तो टॉक टू रिलेटिव्स बियॉन्ड ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। अब देखिए एजुकेशन की चर्चा सिर्फ चार क्लासरूम के हद तक ही नहीं, क्लासरूम से बाहर भी होने लगी है। एजुकेशनल मटेरियल अगर रेफर करना है, पहले क्या करते थे आप और हम जब पढ़ते थे, टीचर क्लासरूम में पढ़ाते थे, कुछ होमवर्क लिख के देते थे, हम जाके टेक्स्ट बुक में देख के जवाब लिखते थे, टीचर और टेक्स्ट बुक, यही थी हमारी टेक्नोलॉजी। तो लेकिन आज के बच्चों के लिए जो है एजुकेशनल मटेरियल टेक्स्ट बुक से हट के भी अवेलेबल है। टेक्स्ट बुक से हट के कैसे हो सकता है? विकिपीडिया में हो सकता है, यूट्यूब में हो सकता है, ई ज्ञान कोश में हो सकता है, या यही पाठशाला में हो सकता है, बहुत जगह दीक्षा में हो सकता है, कहीं पर भी पढ़ सकते हैं। सही है सर, आप हमारे दिनों को पर हंस रहे हैं, लेकिन तो ही थी। नहीं नहीं आपके और हमारे दिन वैसे ही थे। आप इसके लिए कोई टेक्नोलॉजी सोचनी होगी कि हम बात करते रहे, खाना अपने आप जाता रहे। तो ये जो है अब देखिए एजुकेशन, मैं अगर थर्ड क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो मेरे साथ सिर्फ थर्ड क्लास के बच्चे ही रहेंगे, साइंस पढ़ा रहा हूँ तो साइंस के बच्चे ही रहेंगे। एज और स्टेज जो है ट्रेडिशनल क्लासरूम में आपने देखा कि एक ही रहेगा, लेकिन मॉडर्न क्लास में एज और स्टेज के हिसाब से आपको एजुकेशन मिल जाएगी। आप लाइट की कंटेंट डिग्री को भी पढ़ा सकते हैं, लाइट की कंटेंट जो है 8th स्टैंडर्ड को भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन दोनों का अलग अलग एज और स्टेज अलग अलग है, लेवल अलग अलग होता है, कंटेंट वही है, टाइटल वही है, लेकिन पढ़ने का तरीका अलग होता है। आप साइंस करके कोई भी किताब लेकर पढ़ना शुरू कर दें तो हो सकता है कि वो साइंस आपके लेवल का ना हो। तो इसलिए जो है एज और स्टेज के हिसाब से अगर आप पढ़ाना चाह रहे हैं तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बताइए मुझे कि कोटारी कमीशन ने क्या कहा था, एजुकेशन कहाँ चल रही है हमारी, कुछ याद है? भाषा फॉर्मूले को पर जोर दे रही थी त्रिभाषा की ही बात नहीं, कोटारी कमीशन में जो लिखा हुआ है अगर उस वक्त इम्प्लीमेंट होता तो इंडिया कहीं और हो जाती। आज भी हम उन्हीं चीज़ों को दोबारा अलग अलग याद करते हैं, कहते हैं कोटारी कमीशन में कहा था 6% एजुकेशन के लिए दें, आज तक भी हम नहीं दे पा रहे हैं। तो वजह कुछ भी रही हो लेकिन हमारी प्रायोरिटीज़ में बहुत सारी चीज़ें रहीं। अबुल कलाम जब एजुकेशन मिनिस्टर थे, पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे एजुकेशन के लिए 4 करोड़ रुपये दीजिए। अब तो हमारे पास बहुत बजट है, हम 4 करोड़ को मानते ही नहीं, लेकिन उस ज़माने में उन्होंने कहा कि 1 करोड़ था, उन्होंने कहा कि 4 करोड़ दीजिए। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि 4 करोड़ नहीं दे सकते क्योंकि हमारी उस वक्त की प्रायोरिटीज़ अलग थी, लोग घर छोड़ के आए हुए थे, उनको रहने खाने के लिए इंतज़ाम करना था, हमारी आर्मी को स्ट्रेंथन करना था, हमारी बाउंड्रीज क्रिएट करनी थी, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना था। तो एजुकेशन वॉज अवर प्रायोरिटी, नो डाउट इन दैट, लेकिन उससे ज़्यादा अब घर में ही कोई काम चल रहा है, अभी समझिए कि आप जो है खाने को खाना नहीं, फिर जो है आपको पहनने के लिए कपड़ा नहीं,
तो ऊपर का फ्लोर कंस्ट्रक्शन का सोचेंगे या पहले जो है बेसिक जरूरियात पूरे करेंगे, बेसिक नीड्स पूरे करेंगे? तो कोठारी कमीशन ने कहा द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम, यानी इंडिया का फ्यूचर जो है क्लासरूम में, क्लासरूम सिर्फ चार दीवारी के अंदर, टीचर स्टूडेंट जो एजुकेशन। बहुत सही, बहुत सही जुमला है, कहा जाना चाहिए और इस पर गौर किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे ही हमारा फ्यूचर हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन जब आप आज के ज़माने में देखें तो अब मैंने बताया आपको एजुकेशन बहुत फैल चुकी है। बोलिए कहाँ पे? हाँ हाँ क्यों बताइए सर? नहीं, डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम, हर, सिर्फ मैडम को क्यों तवज्जो दी गई, हमको क्यों नहीं दी गई पूछ रहे हैं। भारत माता, मदरलैंड, भारत माता इसीलिए लिखा होगा। अब वो उन्होंने किस लिए लिखा, अब चूंकि हम, हमारा इंटरेक्शन नहीं रहा है तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इस तरह से लिखा हुआ है, हो सकता है कि मदरलैंड इम्पोर्टेंट है, भारत माता इम्पोर्टेंट। हाँ, भारत माता हम कहते हैं तो इसीलिए। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में देखिए, मैंने अभी आपको कहा कि क्लासरूम से हट के भी जो है एजुकेशन हो रही है, बाहर भी हो रही है, हर वक्त हो रही है। तो मेरा पर्सपेक्टिव ये है, नाउ फोर कॉर्नर्स ऑफ कंप्यूटर, मैं कई सालों से कह रहा हूँ फोर कॉर्नर्स ऑफ कंप्यूटर या फोर कॉर्नर्स ऑफ योर मॉनिटर और मोबाइल डिवाइस, टेक द चाइल्ड टू द एंटायर वर्ल्ड। आज बिल गेट्स को हम देख सकते हैं, बिल क्लिंटन को देख सकते हैं, मोदी की का भाषण सुन सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं आपको अपने मोबाइल डिवाइस। पहले था क्या, आप सिर्फ जो है महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ सकते थे, महात्मा गांधी जी को देख सकते थे क्या? अभी देखना पॉसिबल है। सो एंटायर वर्ल्ड इज़ पॉसिबल, यानी भी 2020 इसको रिकोगनाइज करता है और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कहता है। अब मैं ICT के इम्पोर्टेंस को आपको डिस्कस कर रहा था, अब इस कॉन्टेक्स्ट में ICT आपको स्कूल में ले जाना है। मैंने शुरू में दो पिक्चर पेश की आपको, एक पिक्चर वो जो ट्रेडिशनल क्लासरूम था जिसमें सिर्फ टीचर और स्टूडेंट थे और कोई नई चीज़ नहीं थी, चॉक एंड टॉक मेथड का इस्तेमाल किया जा रहा था, दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी के लोडेड क्लासरूम्स थे। मैं आपको चाहता हूं कि आप टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले मैं ये आपको तवज्जो दिलाना चाह रहा हूं कि यू नीड टू पॉन्डर डिस्पैरिटी अमंग हैव्स एंड हैव नॉट्स, यानी जिनके पास है जिनके पास नहीं है, वो डिस्पैरिटी बहुत वाइड है। इंडिया में कई ऑस्ट्रेलिया, इंडिया में कई अमेरिका हैं, तो कई जो है बहुत सारे देहात भी हैं, कई सूडान भी हैं। तो इंडिया ऐसा डाइवर्स कंट्री है कि आप एक ही तरह के एक ही रस्सी से खींच के सभी को साथ में नहीं ले जा सकते, तो ये बहुत डाइवर्स है। तो ऐसे सिचुएशन में ICT का इस्तेमाल किया जा सकता है क्या? क्या आप समझते हैं कि ICT का इस्तेमाल किया जा सकता है? बहुत मुश्किल है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा। मैं सुन रहा था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं सही बात है। मैं काम करते तो सबसे पहले हमारे कुछ जब पॉलिसी कर कह रही है, मैंने दूसरे नहीं, तो
जिनके पास फैसिलिटी है तो वो यूज भी कर देंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन वही है। निभाना चाहिए स्कूल के बच्चा किसी प्राइमरी स्कूल के बच्चे की जिम्मेदारी उसके टीचर की नहीं है, उसके स्कूल को भी है, एससीईआरटी को भी है, भोपाल को भी है, एनसीईआरटी को भी है। तो इसलिए बोल रहा हूँ मैं इच्छा शक्ति तो इच्छा शक्ति की कमी रह गई है मान लो, तो बच्चा तो भुगत रहे है ना, तो उसको मॉनिटरिंग उसका हायर अथॉरिटी करे ना। क्या है क्या हो रहा है, क्या देखिए क्या है धीरे धीरे सबको इच्छा शक्ति कमी है। लेकिन क्या होता है कि इच्छा शक्ति कमी है क्या होता है वो अलग बात है। बिल्कुल बिल्कुल इमरजेंसी में ही काम होता है, तो ये वरना तो नॉर्मल सिचुएशन में हम लोग वो पड़ी रहती है। देखिए कितना बेहतरीन चीज है। बिल्कुल इसी तरह से बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री थी होल इन द बॉक्स, एक बॉक्स बनाया गया उसके अंदर होल करके कंप्यूटर रखा गया काफी सालों पहले की, सुगाता मित्रा ने वो स्टडी की थी, वहाँ पर विलेजेस में ले जाके उसको बॉक्स को रखा, कोई बच्चा माउस पर खेल रहा है, कीबोर्ड दबा रहा है, तो वो बहुत फैमिलियर थे बड़े बड़े स्कूलों के बच्चों से जिनको कीबोर्ड और माउस ऑपरेट करना नहीं आता था। तो ये डिस्पैरिटी जो है हमको नए तरीके सूझने होंगे, जैसे अभी सर ने कहा कि स्क्रीन लेके जो है एक विलेज में कोई चला जाता है और वीडियो प्रोग्राम प्ले करता है, मैंने कहा कि होल इन द वॉल का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं ताकि विलेजेस के बच्चे कर सके, तो डिस्पैरिटी किस तरह से कम की जा सकती है इसको सोचना है। अगर डिस्पैरिटी कम हो, अभी आपने कहा कि एक माइंडसेट हमारा जो बना हुआ है वो माइंडसेट को भी देखने की ज़रूरत है, यानी टीचर्स और पेरेंट्स और स्टूडेंट्स ये सभी जो है टेक्नोलॉजी को जो है किस तरह से इस्तेमाल करना है स्वीकार करें, तो उनको एक गैप है, इस गैप को पूरा करने के लिए उनकी ट्रेनिंग भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर हो गई ट्रेनिंग हो गई, आपने आकाश का टैबलेट दे दिया, कोई भी टैबलेट बच्चों को दे दिया, लेकिन टैबलेट ले जाके बच्चे पढ़ रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं फिल्में देख रहे हैं कौन मॉनिटर करेगा, घर घर में फ़ोन है। अभी सुबह आप लोगों ने कहा कि काम वाली के पास भी फ़ोन है, लेकिन स्कूल में बच्चे को हम अलाउ नहीं करते हैं, ये हमारी मेंटालिटी है। तो यहाँ पे शासन का निर्देश आपको ताज्जुब होगा इस बात पे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी कहा गया है कि ये जो मॉनिटरिंग है बहुत जरूरी है, बच्चे हमारे जिस तरह से ड्रग एडिक्शन हो रहा है उसी तरह से मोबाइल एडिक्शन भी हो रहा है, तो एनईपी कहती है कि एक रेगुलेटरी फोरम बनाया जाए और ड्रग एडिक्शन जैसे केसेस को स्टडी करके पब्लिक डोमेन में लाया जाए, यानी गवर्नमेंट भी अवेयर है कि इस तरह के चीज़ें हैं, या तो पॉजिटिव होना चाहिए इस्तेमाल, पॉजिटिव नहीं हो रहा है इसलिए हम लोग स्कूल में रहने से रोक रहे हैं, लेकिन निगेटिव कम नहीं होने को तैयार है,
तो ऐसे सिचुएशन में मॉनिटरिंग कौन कौन गैप्स के मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए। अभी सुबह हम आप जब फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी देख रहे थे, हर चीज़ का एक अंत होता है, हमारा भी अंत होगा, तो क्या टेक्नोलॉजी भी खत्म होने जा रही है? तो ये भी एक सोचने वाली बात है। मैंने आपको सोचो पॉन्डर पॉन्डर करने के लिए चंद सवाल दिए हैं, जिनके पास टेक्नोलॉजी है जिनके पास नहीं है, अगर दी जाए तो किस तरह से इस्तेमाल हो, उसकी ट्रेनिंग ट्रेनिंग भी दी जाए तो इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो आज की टेक्नोलॉजी जैसे रेडियो ख़त्म, टेलीविज़न ख़त्म, आई कंप्यूटर और आईसीटी भी ख़त्म होकर नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी क्या? ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, बिग डेटा, पता नहीं और क्या क्या, ये सारी चीज़ें आएंगी क्या? टेक्नोलॉजी का रिप्लेसमेंट होगा क्या? ये सब सोचने की अभी ज़रूरत है, वी नीड टू पॉन्डर। अगला सवाल आपके लिए, व्हाट टेक्नोलॉजी टूल्स डू यू यूज़ फॉर टीचिंग? टीचिंग में आप कौन से टेक्नोलॉजी टूल्स यूज़ कर रहे हैं? एक है हार्डवेयर, दूसरा है सॉफ्टवेयर, तीसरा है ऑनलाइन रिसोर्सेस, चौथा है ऑल टाइप्स ऑफ सोर्सेस। आप हटिएगा नहीं, क्योंकि काफी सारे सवाल आते रहेंगे, जी सर। वो रिफ्रेश, उसको आप थोड़ा सा नीचे खींचें तो रिफ्रेश होके नया सवाल आ जाएगा। ये आपका जवाब हो सकता है, कोई सही कोई गलत नहीं है इस पर, थोड़ा सा रिफ्रेश कर दीजिए, उसको नीचे खींचिए। स्कैन किया ये देखिए, मेरा पूरा पुराना सवाल है ना, मैं इसको थोड़ा सा नीचे ऐसे खींच दिया तो नया सवाल अभी आ गया। नहीं 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 ये आपने ये किया है, मेरा बहुत पुराना सवाल था। तो मैक्सिमम आप लोग कह रहे हैं कि ऑल टाइप्स ऑफ सोर्सेस यू आर यूजिंग, 43%। बहुत सारे लोग इसी तरह से ऑनलाइन सोर्सेस के बारे में भी कह रहे हैं, सॉफ्टवेयर भी कह रहे हैं। सॉफ्टवेयर बिना हार्डवेयर के कुछ नहीं है। गाड़ी में, गाड़ी को अगर आप हार्डवेयर माने, पेट्रोल को आप सॉफ्टवेयर माने, दोनों मिलेंगे तो ही गाड़ी चलेगी। हार्ड जी जी सर तो ये जो है ऑनलाइन ऑनलाइन सोर्सेज भी हो सकते हैं, ऑल टाइप्स सभी मिला के भी हो सकते हैं। अभी आपके जॉब चेंज हो रहे हैं या तो जॉब देने वाले बढ़ रहे हैं, ऑल टाइप्स ऑफ सोर्सेज ये लाइफ टाइम में चलता रहता है, तो कम ज़्यादा होगा। मैं आगे की तरफ बढ़ जाता हूँ। अगला, टूल्स ऑफ टीचिंग। टूल्स ऑफ टीचिंग को मैंने इस तरह कैटेगराइज किया है, कुछ हार्डवेयर हैं, कुछ सॉफ्टवेयर हैं, कुछ ऑनलाइन सोर्सेस हैं। इन तमाम को जोड़कर आप जो है अपनी एजुकेशन कर सकते हैं। टीच स्मार्टर, जोड़ना ही नहीं है, जोड़ के इस्तेमाल करना भी स्मार्टर वे में बहुत ज़रूरी है। हार्डवेयर किसको कहेंगे? हार्डवेयर जो है साइंस की प्रोडक्शन जो है वो हार्डवेयर कहलाता है। कोई एग्जाम्पल बताइए हार्डवेयर की, जो दिख रहा है, जिसको छू सक रहे हैं, ये माउस, माउस है, रिमोट है, लैपटॉप है, फिजिकल कंपोनेंट जो है आपका हार्डवेयर कहलाता है। लेकिन जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे दी गई है, रेडियो है, टेलीविजन है, कंप्यूटर है, प्रोजेक्टर है, इंटरनेट कनेक्शन है, ये सारे जो है हार्डवेयर है। ठीक है, तो ये हार्डवेयर चलना है तो उसके लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है। सॉफ्टवेयर क्या है? इंस्ट्रक्शंस दैट मेक द इक्विपमेंट वर्क। जैसे प्रिंटर को इंस्ट्रक्शन है प्रिंट करने के लिए, माइक्रोफोन को इंस्ट्रक्शन है आवाज़ दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, कैमरे को इंस्ट्रक्शन है फोटो खींचने या वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। एवरी इक्विपमेंट इज इंस्ट्रक्टेड टू डू अ पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन का होना ज़रूरी है। जैसे सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स जो आपको समझ में आए उस तरह मैंने लिखी हैं, मूडल है, गूगल क्लासरूम है, ये सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर तो हार्डवेयर है, इस हार्डवेयर को ऑनलाइन आप चलाना चाहते हैं तो मीटिंग ऐप होना चाहिए। मीटिंग ऐप है जैसे गूगल क्लासरूम है, जूम है, वेबएक्स है, ये ऐप्स हैं या ये सॉफ्टवेयर हैं, उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ग्रुप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस हाँ, इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर जो है इंस्ट्रक्शन देता है।
देखिए, अगर आप जूम का मीटिंग खोलें तो मीटिंग कर सकते हैं, पावर पॉइंट खोलें तो प्रेजेंट कर सकते सर। हैं, कैमरा खोलें तो उसको इंस्ट्रक्शन है रिकॉर्ड करने के लिए। हर एक इक्विपमेंट को एक एक इंस्ट्रक्शन होता है पर्टिकुलर काम करने के लिए। सॉफ्टवेयर है ऑनलाइन, ऑनलाइन में दो चीज़ें हैं, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। बताइए सिंक्रोनस क्या है, एसिंक्रोनस क्या है? क्रम में जमाना, ठीक है, और कुछ? हाँ, सिंक में चल रहा है क्या? कैसे? एग्जाम्पल क्या है सिंक में चलने वाली? बहुत बहुत सही है, बहुत सही है। सिंक चलता जा रहा है। बिल्कुल, हाँ, मैंने यहाँ पर इशारा किया, इमिडिएटली आपने वहां देखा, यानी जो मैं कह रहा हूँ इंस्ट्रक्शन आपके इमिडिएटली जा रही है, ये जो है सिंक्रेनस। नोटिस बोर्ड जैसे पे कुछ फैंस चिपका में है, चिपके जाए, दोनों स्टेप सेम है, बस सिंक में है। सिंक में चलता है। सिंक में कब चलता है? ऑनलाइन रिसोर्स में अगर हम देखें तो गूगल मीट में हम यहाँ पे बैठे हैं, स्टूडेंट वहाँ पे बैठे हैं, सिंक्रोनस है, सेम पैरेलल चल रहा है, पैरेलल चल रहा है, सिंक्रोनस, दोनों आपस में जुड़े। जी, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, सिंक्रोनस है। ए सिंक्रोनस उसको कहते हैं, हाँ, ये एक्टिविटी होने के बाद एक्शन, एक्शन के बाद कई देर बाद रिएक्शन होगा। जैसे न्यूज़पेपर की रिपोर्ट आ गई, आ गई, छप के एडिटर सो गया, रात को छाप के वो सो गया, अगले दिन अखबार आप पढ़े, एसिंक्रोनस है। सिंक्रोनस क्या होता है? अगर आप वो चैट लिख रहा है, हम इमिडिएटली जवाब दे देते हैं, तो ये सिंक्रोनस है। एसिंक्रोनस क्या? जी, ये सिंक्रोनस है, सिंक्रोनस एक्टिविटी। ये सिंक्रोनस कैसा होता है? जैसे आपने ईमेल किसी को लिखा, आज लिखा, उसके बाद जो है अगले दिन जवाब आया। हाँ, अभी जैसे नहीं, हमारी गवर्नमेंट में ऐसे ही काम होता है ना, ए सिंक्रनस, आप कब का एप्लीकेशन देते हैं, कब का सिलेक्शन होता है, ए सिंक्रनस, ठीक है? तो होता ही नहीं, ये सिंक्रनस और सिंक्रनस की एग्जांपल नहीं है। करिकुलर और को करिकुलर, करिकुलर और को करिकुलर क्या है? हाँ, गांधी जी ने तो कहा था कि ड्राइंग आउट द बेस्ट एंड ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, है ना? तो ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए सिर्फ कंटेंट ही पढ़ाना है क्या? को करिकुलर एक्टिविटीज भी करना है ना मैडम? तो ये जो है करिकुलर एक्टिविटी, वो जो क्लासरूम में आप कर रहे हैं करिकुलर एक्टिविटीज, को करिकुलर एक्टिविटी जैसे ग्राउंड में बच्चा खेल रहा है, लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर रहा है, बाहरी वातावरण से जुड़ रहा है, म्यूजिक कर रहा है या कोई और स्पोर्ट्स कर रहा है, ये को करिकुलर एक्टिविटी है। फिर उसके बाद ऑनलाइन सोर्सेज जैसे प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग, प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग का आपने नाम सुना है, एक रिजर्वायर ऑफ बुक्स है, बहुत सारी किताबें उसके अंदर रखी गई हैं, हजारों लाखों की तादाद में किताबें हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट की किताबें जो है वहाँ जाके ओपन करके पढ़ सकते हैं। वो किताबें जो है आपको टेक्स्ट जो वर्ड फाइल होती है, वर्ड प्रोसेसर की शक्ल में है, टेक्स्ट की अवेलेबल है, वॉइस की है, किंडल की है, पीडीएफ की है, हर तरह की। शोध गंगा में पीएचडी के थीसिस रखे हुए, वो भी आप देख सकते हैं। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है, ऑनलाइन अवेलेबल है, उसको भी आप देख सकते हैं। खान एकेडमी में कंटेंट बेस्ड प्रोग्राम्स हैं, उसको देख सकते हैं। यूट्यूब भी ऑनलाइन सोर्स है जिसको आप देख सकते हैं। प्रोजेक्ट गुटनबर्ग, गुटनबर्ग। और ये देखिए कि टीचर जो है, टीचर, मैंने सवाल पूछा था आपसे कि आप हार्डवेयर यूज करते हैं, क्या सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, क्या ऑनलाइन सोर्स यूज करते हैं, तो इसका जवाब है कि यू हैव टू पुट ऑल टुगेदर। सिर्फ ये नहीं कि मैं पर्टिकुलर ऑनलाइन रिसोर्सेज यूज करूंगा, ऐसे नहीं, सभी चीजें एक साथ इस्तेमाल करना है। प्रोसेस एंड एफर्ट्स ऑफ मिक्सिंग टूल्स एंड मेकिंग लर्निंग स्पेशल, वीविंग अ ब्यूटीफुल टेपेस्ट्री। अब देखिए, यहाँ से वहां तक आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें अलग अलग लेयर रखी हुई है, इसको कहते हैं टेपेस्ट्री। कहीं ऑडियो रखा हुआ है, कहीं वीडियो रखा हुआ है, कहीं कोई डिजाइन बना हुआ है,
तो टीचर को भी इस तरह से अपने क्लासरूम में वैरायटी लाने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो है ट्रेडिशनल चॉक एंड टॉक मेथड से यूज़ करेगा, या तो यूट्यूब के प्रोग्राम्स लगा के रखेगा, या तो सिर्फ किताबें डाउनलोड करके देगा। सभी को व्यू करने की ज़रूरत है, पुटिंग टुगेदर। जैसे एक ऑनलाइन क्लास के बारे में मैं यहाँ बता रहा हूँ, जैसे वेबिनार मैं कंडक्ट करता हूँ, वेबिनार कंडक्ट करने के लिए एक ब्रोचर बनाता हूँ, ब्रोचर बना के सबको सर्कुलेट करता हूँ, ईमेल के जरिए करता हूँ, व्हाट्सएप के जरिए करता हूँ, उसके अंदर जो है गूगल मीट का लिंक लिखता हूँ, कौन प्रेजेंट करने जा रहा है, कब हो रहा है प्रोग्राम, कितने बजे चलेगा, एक्सपर्ट से बात करता हूँ, मोबाइल का इस्तेमाल करके बात करता हूँ, डेट्स टाइम थीम सभी फिक्स करता हूँ। देखिए एज अ टीचर, ये टीचर को सारी जिम्मेदारियाँ करनी होती है। ये ऐसा टीचर नहीं, आप ऐसा टीचर नहीं है रहा कि टेक्स्ट बुक लेके आ गया, किसी बच्चे से कहा कि तुम खड़े हो जाओ पढ़ो अकबर कौन था, वो अकबर को पढ़ा फिर जो है ये समझेगा पहले वो क्या लिखा हुआ है, इसने किताब नहीं पढ़ी हुई है, फिर पढ़ के बताएगा कि हाँ देखो अकबर ऐसा कर रहा था, ठीक है ये था अकबर। तो ये नहीं, अभी टीचर को बहुत सारे काम करने होते हैं। तो गूगल मीट का एक वेबिनार भी अरेंज करना है, तो इतने सारे काम करके सबको सबको इन्फॉर्मेशन भेजनी है। फिर उसके बाद ऑन द डे ऑफ मीटिंग, मीटिंग में जो है टीचर को कंटेंट भी पेश करना है, स्टूडेंट्स को एडमिट भी करना है, उनके सवालात जो पूछेंगे उसके जवाब भी देना है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए यूट्यूब वगैरह लिंक्स भी उनको देना है, पीपीटी तैयार करता है तो पीपीटी भी जो है अपने स्टूडेंट्स को शेयर करना है। तो टीचर नहीं, टीचर चेंज नहीं हुआ, टीचर की जगह किसी ने नहीं ली, टीचर का रोल बदल गया है। ठीक है, टीचर जो है टीच स्मार्टर होना चाहिए। टीच स्मार्टर यानी जो ज़रूरत है, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लेवल में पर्सनलाइज लर्निंग होनी चाहिए, स्पेशल चिल्ड्रन का ख्याल रखना ज़रूरी है। स्पेशल चिल्ड्रन को टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से कैसे मीट कर सकते हैं आप बताइए। स्पेशल चिल्ड्रन, फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगा, कोई अंधा है, अंधे को आप क्या करेंगे, कैंची को कैसे मारने के लिए कहेंगे, ऑडियो सुनाएंगे, क्योंकि वो स्पेशल एबिलिटी रखता है। दूसरे पांच सेंसेस के में जो है किसी और सेंस में जो है स्पेशल एबिलिटी रखता है, जो हम नहीं रखते, ऑडियो का इस्तेमाल करेंगे। हाँ मोबाइल यूज करते हैं, ओके वो जी जी तो यानी उनके एबिलिटी के हिसाब से टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे। कोई एग्जाम्पल जैसे समझिए कि आपके कंप्यूटर पे क्या है, अगर कोई बच्चा नाबीना है देख नहीं सकता तो उसको कैसे मालूम हुआ का कि मेरी स्क्रीन पे क्या है, स्क्रीन पे क्या है। जी जी साउंड एक्सेसरी डिवाइसेस होते हैं, जैसे जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है वो पढ़ के सुनाता है, पढ़ के सुनाता है, टीचर को होने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके क्लास में हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है, उसको सुनाई नहीं देता, तो क्या टेक्नोलॉजी हमें मदद कर सकती है कि उसको सुनाई दे, वो मशीन लगा सकता है। तो टेक्नोलॉजी का डिवाइस है जो आप एजुकेशनल पर्पज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह के आपको आइडेंटिफाई करने होंगे कि किस तरह से आप पर्सनलाइज करेंगे, अगर स्लो लर्नर है तो उसको कैसे, गिफ्टेड चाइल्ड है तो उसको कैसे क्या कंटेंट दी जाएगी। टेक्नोलॉजी आपकी मदद करती है उसको अडॉप्ट करने के लिए, स्पेशल चाइल्ड है तो उसकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए आपको टेक्नोलॉजी मदद करती है। नो व्हेन एंड हाउ टू यूज़ ईच टूल, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे एक माँ को मालूम है नमक कितना पड़ना है, मिर्च कितना पड़ना है, टमाटर कितना डालना है, तेल कितना डालना है, उस तरह से टीचर को मालूम होना चाहिए कौन सी टेक्नोलॉजी कब और कितनी इस्तेमाल करनी है। टीचर का रोल बदल गया है, माँ का रोल बदल गया है, लेकिन माँ ही खाना बना रही है और बच्चा ही खा रहा है। इसी तरह जिससे जो है टीचर ही पढ़ा रहा है और स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, बच्चे ही पढ़ रहे हैं। अगला सवाल, शेयर सम हार्डवेयर यूज्ड फॉर टीचिंग, हार्डवेयर कौन से आप इस्तेमाल कर रहे हैं टीचिंग के लिए। क्या आपको ये इंटरेक्टिविटी ठीक लग रही है,
मोबाइल यूज कर रहे हैं, लैपटॉप, और कौन सी टेक्नोलॉजी, प्रोजेक्टर यूज कर रहे हैं, वेरी गुड, डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, लैपटॉप इस्तेमाल करने वाले बढ़ गए हैं, लैपटॉप और बढ़ रहा है। यूज ही किए जा रहे हैं, सुना है तो यही है, कॉलेज स्कूल में भी ऐसा, हमारे यहाँ पेंड्रा के आगे छोटी सी स्कूल है, वहाँ भी स्कूल है प्राइमरी लेवल की, लेकिन वहाँ पर टीचर्स इतने एक्टिव हैं कि वो प्रोजेक्टर से ही बच्चों को पढ़ाते हैं, और वहाँ का इतना छोटा सा बच्चा है क्लास 3 का, सर टोटल चलता फिरता साइबर है, उसका वीडियो मैंने बनाया था, कभी मैं शेयर कर रहा हूँ, अच्छा बच्चा, मतलब बड़े क्या करेंगे सर, अभी तो हम लोग भी एक दूसरे की मदद ले लेते हैं कभी कभी, पता नहीं ऑटोमेटिकली गॉड गिफ्टेड है कि क्या है, तो प्रोजेक्टर उस स्कूल में भी चलता है, बड़ी संस्थाओं में चलता है बड़ी बात नहीं, क्योंकि वहां पर वैसे बुद्धिजीवी लोग भी रहते हैं और जिताने की कोशिश भी करते हैं। देखिए वहां पर भी अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, मोबाइल का भी इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है, वही ज्यादा हो रहा है, नहीं अच्छी बात है। अगला अगला चलते हैं, ब्रीफली आपके आपके जवाब को मैंने कंसाइज वे में दिया है, हार्डवेयर का मतलब है फिजिकल इक्विपमेंट जैसे रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, इंटरनेट कनेक्शंस, ठीक है, ये हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर, काफ़ी सारे सवाल आते हैं आपके लिए, सुबह से मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत ओकल हैं, जवाब दे रहे हैं, लेकिन अब मैं ऑनलाइन जवाब पूछ रहा हूँ, आप ओरली भी बहुत इंटरेक्टिव थे, बहुत अच्छा ग्रुप है और बहुत अच्छे जवाब आ रहे थे, मैं ऑनलाइन पूछ रहा हूँ। सर एक चीज मेरे को कौन सा कंफ्यूजन है, इंटरनेट कनेक्शन कैसे हुआ? इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट की कनेक्टिविटी जो है ना सर, केबल्स वगैरह उसका जिक्र करो, केबल, केबल होता है आपका, हॉटस्पॉट होता है, आप किसी के जरिए जुड़ेंगे ना सर, वाईफाई कहाँ से आ रहा है, वाईफाई भी किसी एक डिजिटल डिवाइस से ही जुड़ा होगा, या तो केबल से आप जुड़े होंगे या तो वाईफाई का डिवाइस रखा होगा, मोडेम रखा होगा जिससे कनेक्शन आपको आएगा, नहीं दोनों भी हो सकते हैं, ये यहाँ पर मैं हार्डवेयर की बात कर रहा हूँ। हाँ तो आप सॉफ्टवेयर कौन कौन से यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, जैसे प्रोजेक्टर है, ई बुक है, क्लासरूम है, मॉनिटर, ये हार्डवेयर के तौर पर देखा जाएगा, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, ई बुक, ठीक है, गूगल भी आप यूज़ कर रहे हैं। गूगल की जब बात करोगे आप, तो गूगल को एक वर्कस्पेस की तरह देखिए आप, गूगल में क्या क्या आता है, वर्कस्पेस में गूगल डॉक्यूमेंट आता है, गूगल स्लाइड्स आता है, स्लाइड्स जिसका जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ गूगल स्लाइड्स हैं, गूगल शीट होता है जो एक्सेल पहले हम यूज़ करते थे माइक्रोसॉफ्ट में, अब गूगल शीट है, फिर उसके बाद गूगल फॉर्म है, फिर आप जो है ब्लॉग्स लिख सकते हैं, फिर बहुत सारे ऐप्स का जो जोड़ है गूगल वर्कस्पेस है, आजकल गूगल फ्री में अवेलेबल है, तो हम लोग ज़्यादातर जो है गूगल का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, हमने भी किताब लिखी है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सारे चीज़ों को हमने उसमें लिया था, हमने लिखा था कि जो है वर्ड जो है आपका समझिए कि ऑफिस के जो काम होते हैं वो सारे काम, आपका पीए क्या करता है, नोट शीट बनाता है, फिर जो है उसके अंदर किसी को ख़त लिखता है, किसी का जवाब देता है, किसी को फाइलिंग करता है, ये वर्ड करता है, वर्ड। आपका अकाउंटेंट क्या करता है, कंपनी के लेन देन का हिसाब रखता है, आपका कैलकुलेट ये जो है एक्सेल शीट जो है वो करता है, फिर जो है कोई ऐसा आपका टीचर होगा स्कूल के अंदर जो आपके स्कूल को जो है अच्छे अंदाज में बाहर पर पेश करता होगा, हमारी स्कूल इतनी बड़ी है, इतने अच्छे बच्चे हैं, इतने अच्छे टीचर्स हैं, बढ़ा चढ़ा कर पेश करता होगा, पावर पॉइंट है आपके स्कूल को जो है पेश करता है, तो इस तरह से हमने उसको, अभी याद नहीं आ रहा है, अचानक मुझे याद आया तो मैंने बताया कि ऑफिस के जो भी काम होते हैं
उन तमाम कामों को अलग ऑफिस के एप्लीकेशंस करते हैं। इसी तरह से अब चूंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पेड वर्जन हो गया है, गूगल ऑनलाइन फ्रीली अवेलेबल है, 15 GB तक आप डेटा उसमें स्टोर कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे गूगल का लिया है। और आप में से बहुत सारे लोग जो है गूगल सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है? इंस्ट्रक्शन दैट मेक द इक्विपमेंट वर्क। अभी मैंने बताया कैमरा है तो कौन बताए उसे, तू कैमरा है फोटो ही लेना तेरा काम है, दूसरा कोई काम न कर, आवाज़ न मत निकाल, ठीक है? तो ये चीज़ है, इंस्ट्रक्शंस होती हैं। गूगल क्लासरूम एंड मूडल का जिक्र हमने किया है। लिस्ट फ्यू ऑनलाइन रिसोर्सेस, आपने या टीचर्स ने, आपके टीचर्स ने बहुत सारे रिसोर्सेस का इस्तेमाल किया होगा। कौन कौन से रिसोर्सेस हैं जो टीचर्स इस्तेमाल कर रहे हैं ऑनलाइन रिसोर्सेस? क्या दीक्षा पोर्टल से ज्यादा यूज कर दीक्षा पोर्टल? दीक्षा पोर्टल में क्या है सर? सभी क्लास वाइज, सभी सब्जेक्ट वाइज, क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज कंटेंट्स है। कंटेंट का मतलब आप कह रहे हैं कि सिर्फ टेक्स्ट मटेरियल है, वीडियो वीडियो ऑडियो भी है, वीडियो भी है, टेक्स्ट भी है, टेक्स्ट भी है, एक्सरसाइजेस है, क्वेश्चन आंसर्स है, अगर लेबोरेटरी चाहिए तो लेबोरेटरी भी है। वो लैब में होगा, वो लैब सॉफ्टवेयर में लेबोरेटरी होगी, ठीक है? तो दीक्षा जो है सिर्फ एक स्टेट से रिलेटेड है या एनसीईआरटी का सिलेबस कवर करती है? तो ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है कि टीचर्स के लिए है? दोनों के लिए है। सिर्फ कंटेंट का उतना ही कंटेंट देता है। हाँ वो निष्ठा का जितने भी पार्ट्स है, जितने मॉड्यूल्स है, हाँ पहले 14 थे, पहले 18 थे, फिर पार्ट टू पार्ट थ्री ऐसा करके आया है, वो ट्रेनिंग पार्ट भी है। सर आप कुछ नहीं बता रहे, बताइए। सुबह बहुत एक्टिव थे, थोड़ा आपसे भी पूछ लूँ मैं। ये मुझे बताइए, ई पाठशाला और दीक्षा में कोई डिफरेंस है? आपने देखा है ई पाठशाला और दीक्षा? जी, हाँ, पढ़ाई करने के तरीके को टीचर की रिकॉर्डिंग के आधार पे हाँ, उसमें सेट किया गया है, सुन सकता है, देख सकता है। ये कौन रिकॉर्ड करता है? कैसे मतलब उतना कंटेंट कैसे अपलोडेड है? एनसीईआरटी में होती है? एनसीईआरटी में भी रिकॉर्डिंग? हाँ अच्छा, वो कैसे सर्च का ऑप्शन है उसके अंदर? एक एक जो ने उसके ये कैमरा है इसलिए। हाँ बोलिए बोलिए जो उस पार्ट के लेसन प्लान है, उस लेसन प्लान को टीचिंग प्लान में बदल कर स्पेशलाइज्ड टीचरों को बुलाकर, हमारा जो एससीईआरटी का रिकॉर्डिंग रूम है वहां पे सारी सुविधाएं हैं, वहां पर रिकॉर्ड की गई हैं और बच्चों को भी रखा गया है और उसमें टीचर को पढ़ाते हुए दिखाया गया है और उस पार्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया है। कुछ क्वेश्चन आंसर भी रेज किए गए हैं, कुछ क्वेश्चन के ये देखिए ये इस तरह के इसमें दीक्षा पोर्टल पे मिलेंगे। सर आप खोल के बताइए ना, क्लास वाइज है, मीडियम वाइज भी है, तो इसमें 10th तक का ले लिया गया क्लास है। वन टू तो टेन अपन जैसे चाहे इंग्लिश मीडियम चाहिए क्या चाहिए, तो ये पहले अपन सिलेक्शन करेंगे। तो जैसे सपोज करिए मैंने क्लास थ्री सिलेक्शन किया, क्लास थ्री में मैं क्या देखना चाह रहा हूँ, ये सब्जेक्ट आ गए मेरे पास, ये क्लास थ्री के हैं। सपोज करिए मैं इस पार्ट का ये चीज पढ़ना पढ़ना चाहता हूँ, तो ये शिक्षक संसाधन अलग से चलेगा। जैसे एज ए टीचर मैं लॉग इन होऊंगा तो मेरे को एज ए टीचर का दिखाएगा, एज ए स्टूडेंट यदि आप लॉग इन हो गए तो आपको स्टूडेंट कंटेंट दिखाई देगा। और दो प्रकार के डिविजन है इसमें, शिक्षक संसाधन है तो उसमें क्या क्या हो सकता है उस लेसन के बारे में बताने के लिए ये वीडियो है, ये सपोर्ट करेगा ये। ओके ओके,
ये कंटेंट आपके लिए है ऐसा, तो और बच्चा घर बच्चे के बैठ लिए के पढ़ करें सकता है, तो वो एज अ स्टूडेंट वो अपना लॉग इन करे। टीचर के लिए भी अच्छा है सर, जैसे कोई न्यू टीचर है, मान लो उसको लैंग्वेज प्रॉब्लम है या पढ़ाने में दिक्कत है, तो इसके माध्यम से अपने क्लास को अच्छे से ट्रांजेक्ट कर सकता है, कंटेंट डिलीवर कर सकता है। अच्छा, थैंक यू सर। अगर गतिविधियों के साथ साथ उसका जो एक्सरसाइज भी दिया है, जैसे आप बच्चे को जैसे वो स्कैन किया उसने गतिविधि को निकाला, उसका उसका उसे जवाब देगा, मतलब इसी में जवाब देगा उसका राइट है आंसर की रॉन्ग आंसर वो भी बताएगा। अच्छा, मुझे ये बोलिए कि दीक्षा कितने लोगों ने नहीं यूज किया या देखा नहीं है, कोई है? चलिए, तो YouTube भी यहाँ पर सबसे ज्यादा ऑनलाइन रिसोर्स है। आई एम वेरी हैप्पी दैट कंटेंट इज अवेलेबल, वो वेरीफाइड, बट YouTube का सारे कंटेंट की जो है वो वेरीफाइड नहीं रहते, कुछ कंटेंट्स गड़बड़ है। कुछ चीजों को देखा है तो उसने YouTube में तो डाल को दिया उस कंटेंट को समझाने के लिए, बस वो पढ़ेगा जिसे। बिल्कुल बिल्कुल सही। शिक्षा में जो कंटेंट है SCERT, ये बहुत बढ़िया बात है। सही सही सही। हाँ, अच्छा, हाँ, उन लोगों ने अपलोड किया है, आपने अप्रूव किया, अप्रूव होने के बाद अप्रूव। ओके, हाँ हाँ जी जी, सभी लोगों से ओके, हाँ 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 ओके, ओके ओके, बहुत बेहतर है। चलिए आगे चलते हैं। ऑनलाइन रिसोर्सेज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, ये सारी चीज़ें जो है एक साथ मिलके ही प्रोग्राम बनता है, और आपको टीच स्मार्टर होना चाहिए, आपको ये जानना ज़रूरी है कौन सी चीज़ कब इस्तेमाल करनी है। ISTD इज़ यूज्ड बाय द टीचर फॉर किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं? ग्रेड्स बनाने के लिए, असाइनमेंट के लिए, अटेंडेंस के लिए, वर्चुअल क्लासरूम के लिए ICT का इस्तेमाल किया जाता है गूगल मीट के ज़रिए। टीचर कैन इंटीग्रेट एजुकेशनल ऐप्स और वेबसाइट्स एंड क्रिएट इंटरैक्टिव असाइनमेंट्स, वो कर सकते हैं, इंक्लूड अ स्लाइड शो, अ स्मॉल गेम और एन एंटरटेनिंग वीडियो फुल ऑफ इंफॉर्मेशन, ICT का इस्तेमाल हो गया। आप ICT का इस्तेमाल करके यू कैन गो पेपरलेस, क्रिएट डिफरेंट बोर्ड्स फॉर असाइनमेंट, टेस्ट पेपर्स। जी मेल कर दिए, काम खत्म हो गया। मेल करने के बाद सारे आपके विचार NCERT हो, हार्ड कॉपी मंगा ली, तो फिर पेपरलेस कहने का मतलब क्या हुआ? मेल का इसका मतलब है कि आप मेल नहीं मंगा पाए, अब वो हम ग्रेजुअली वी आर स्टिल ओवरकमिंग कॉलोनियल पीरियड, समझिए पेपर का तो कॉलोनियल पीरियड का रिवाज है, आहिस्ता आहिस्ता बदलेगा, ये भी हम बदलेंगे। खत्म हो गया, चेंजेस आएंगे। समर्थ का जो प्रोजेक्ट चल रहा है हायर एजुकेशन में, सारा वही है, पेपरलेस। अभी आपको मैं अगर बताऊं कि हमने, हमारी यूनिवर्सिटी बड़ी ही है, बहुत छोटी भी नहीं, मीडियम साइज है, 25,000 उर्दू यूनिवर्सिटी, यह हैदराबाद में है, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हाँ मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी जो हैदराबाद में है, हमने डिस्टेंस में तकरीबन 25,000 बच्चों का एडमिशन किया। पहले 25,000 का एडमिशन करने के लिए हम पेपर में मंगाते थे, सारे इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स उनको जोड़ के देने होते थे, फिर वेरीफाई होता था।
अब बच्चा ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भरता है, उसका फोटो अपलोड करता है, सिग्नेचर अपलोड करता है, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करता है और हमारे रीजनल सेंटर में बैठ के उसको वेरीफाई करते हैं। एमए समझिए हिस्ट्री के लिए जो क्वालिफिकेशन है अगर है उसकी फुलफिल हो रही है तो उसको पैसा भरने की परमिशन मिलती है, पैसा भरता है तो एडमिशन होता है। ऑनलाइन किताबें वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, हर एक पढ़ सकता है। अगर सेम बच्चा को ऑनलाइन का लिंक भी जाता है, हार्ड कॉपी भी जाती है। पेपरलेस की जहाँ तक बात है, जो बच्चा यूनिवर्सिटी जिसने देखी नहीं है, हैदराबाद, आप में से भी कुछ लोगों को नहीं पता उर्दू यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, हैदराबाद में। सर आइए, सर आपका वेलकम रहेगा, हम मिलेंगे वहां पे। तो डिस्टेंस में हैदराबाद में पढ़े हैं जी सर, गच्ची बोली में है ये यूनिवर्सिटी। हाँ जी, तब तो एक्चुअली बहुत वो गच्ची बोली में कुछ नहीं था। तो मैं कहने का तात्पर्य ये है कि देखिए पेपरलेस हो गया है, एडमिशन से लेके बच्चे का रिजल्ट भी आ जाता है, बहुत कम पेपर का इस्तेमाल होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा ही पेपरलेस हो गया है, बच्चे को किताबें जाती हैं ज़रूर, एग्ज़ाम का पेपर उसका रिटन में होता है, क्वेश्चन पेपर भी जो है फिजिकल दिया जाता है, लेकिन कुछ असाइनमेंट्स वगैरह भी इनबिल्ट किए गए हैं। तो पेपर का देखिए यही हम लोग पेड़ पौधे काट के ही जो है पेपर बना रहे हैं, तो पर्यावरण पर भी जो इफेक्ट पड़ रहा है उसको भी कम किया जा सकता है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। आईसीटी इज यूज बाय टीचर टू जी सर असाइनमेंट्स जो हम लोग लिखते हैं उसको भी ऐसे उसमें लेना चाहिए, आपके लिखो ऐसे टाइप कर नहीं, आप देखिए आप ये एजुकेशन का पर्पस नहीं, एजुकेशन का पर्पस ये नहीं है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया जाए, माइंड हैंड कोऑर्डिनेशन भी तो होनी चाहिए, बच्चे को लिखने का भी सीखना भी है ना। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जी जी कोरोना के समय में और सारे बच्चे पास हो गए, किसी एक स्टेट के एक मिनिस्टर भी पास हो गए कोरोना काल में। यानी तो देखिए ये अनहोनी नहीं है, वो नहीं होगी। जी अच्छा पास अभी मैं अक्सर देखता हूँ कि आपका जो ग्रुप है जितना एक्टिव है, सारे ग्रुप्स इस तरह से नहीं होते हैं, बहुत पैसिव ग्रुप रहते हैं, उसमें अगर आप टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करें तो वो लोग जो क्लास में कम बात करते हैं वो लोग भी जवाब देते हैं ऑनलाइन। इसीलिए आप देखेंगे कि फेसबुक ट्विटर पे जो है ढेर सारे कमेंट पड़े हुए होते हैं, जो दिल की भड़ास है वहाँ निकल जाती है। तो यानी खामोश रहने वाला भी बात कर सकता है अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें तो जी। मार्क ज़करबर्ग कहते हैं फेस करने की जरूरत नहीं, यानी वो फ्रस्ट्रेशन भी कह सकते हैं, या तो जो जो इंट्रोवर्ट है ना, जो मुंह पर नहीं कह सकता या कोई इंटरेक्शन ग्रुप में नहीं कह सकता, उसके लिए एक प्रोविजन है कि वो खामोशी से अपने टीचर से पूछे। आप बहुत सारे स्टडीज भी हुए हैं कि ऑनलाइन इंटरवेंशन की वजह से जो है बच्चे जवाब देने में और क्लास में हाँ इंटरेक्शन भी बढ़ जाता है उनका, बाद में सक्षम हो जाते हैं। जी बोल नहीं पाते हैं या झिझक जाते हैं या डर जाते हैं या कुछ ना निकल जाता है। सही सही बात
पढ़ा लिखा हो, डिग्रीधारी हो, उसका क्या औचित्य है जब वो अपनी बात को किसी के सामने रख नहीं पा रहे। नहीं, एक देखिए कल्चर की भी बात होती है। मैं एक सिंपल एग्जांपल कहूँ, ट्रेन जब दिल्ली से साउथ की तरफ जाती है, दिल्ली से मध्य प्रदेश क्रॉस करने तक काफ़ी लोग बातचीत करते रहते हैं, जैसे ही साउथ में एंटर होती है पूरा सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि हमारा कल्चर है हम कम बोलते हैं, शांति है कुछ बोलते ही नहीं। वो कल्चर की भी बात है, आपकी कम बोलो लेकिन डेप्थ से बोलो तो भी उसकी बात वैल्यू होती है, वो भी सुनी जाती है। ये चीज़ें हैं। एक और सवाल, पेडागोजिकल अप्रोचेस अगर कुछ आप जानते हैं जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं, अगर कुछ पता है तो एक दो जवाब दे दें। आपका कब तक है? 5:30? 5 तो बज गए, 5:15। नहीं, आप लोग बहुत इंटरेस्टिंग है इसलिए मुझे पता नहीं चल रहा है टाइम कितना हो रहा है। चलिए बैठिए बैठिए सर, मैं आगे बढ़ता हूँ, बैठिए इसको छोड़ देते हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कोलैबोरेटिव लर्निंग कर सकते हैं। जैसे मैडम कह रही थी कि गूगल डॉक्यूमेंट अगर दिया जाए, गूगल डॉक्यूमेंट में कोई समझिए कि ऑब्जेक्टिव्स लिख रहा है, कोई रिसर्च का प्रोसीजर लिख रहा है, कोई रिसर्च के टूल के बारे में लिख रहा है, अलग अलग पैराग्राफ, एक ग्रुप दूसरा ग्रुप, पूरा हमारा पेपर तैयार हो जाता है। तो कोलैबोरेटिव कर सकते हैं। गेमिफिकेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सर मैं वेबसाइट पे रखूँगा और लिंक दूँगा ग्रुप में। तो पॉइंट्स बैजेस वगैरह जो बच्चे खेलते हैं ना, उनको खेलने का जज्बा इसलिए आता है कि उसको मारने से 100 पॉइंट्स मिल गए, उसको बैज मिल गया, डोर खोल के अंदर चला गया, हिम्मत आ गई। देखिए गेमिफिकेशन की वजह से भी बच्चे जो है बहुत खोज करने लगते हैं। जैसे माइनक्राफ्ट एजुकेशन गेम्स हैं, आप हिस्ट्री के पढ़ा सकते हैं माइनक्राफ्ट एजुकेशन गेम्स में। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये भी कहा गया है कि इस तरह के गेम्स इंडियन कल्चर सिखाने के लिए डेवलप किए जाने चाहिए ताकि बच्चे इंडियन कल्चर सीखें। फ्लिप लर्निंग सुबह आप डिस्कस कर रहे थे, फ्लिप का मतलब क्या है? फ्लिप का मतलब मोबाइल को पलट करके रखना फ्लिप है क्या, या फ्लिप्ड लर्निंग की बात जब कर रहे हैं? फ्लिप मीन्स रोल चेंज करना, हाँ बदल के रखना, यानी पलट देना। या क्लास में टीचर बोल रहे हैं, स्टूडेंट जो है पढ़ रहे हैं, अब इसको उल्टा कर दीजिए, बच्चों को घर में पढ़ने दीजिए, क्लासरूम में बोलने दीजिए। ठीक है, बच्चा जब घर में पढ़ के आएगा तो नॉलेज हासिल करके आएगा, जो भी डिस्कस करेगा वैल्यू पॉइंट होगा, यानी नॉलेज अंडरस्टैंडिंग घर में हो रही है, यहाँ पर एप्लीकेशन सिंथेसिस इवैल्यूएशन यानी हायर लेवल जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी के ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको हासिल किया जा सकता है। सो ये बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। प्रोजेक्ट लर्निंग भी कर सकते हैं, तो इसको मैं स्किप करते हुए एक इसमें चलूँगा। माइंड मिस्टर एक जो है ऐप है, ये ऐप हो सकता है मैडम भी कल डिस्कस करें। मैं इसको लिंक जो है कॉपी करके, माइंड मिस्टर है क्या चीज? माइंड मिस्टर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को शेयर कर रहा हूं। आईसीटी वाला ग्रुप, एमपी और छत्तीसगढ़ सिस्टम थोड़ा स्लो हो जाता है। आपने कुछ फोटो लिए हैं तो शेयर करिए, आप इसको क्लिक करिए, मैंने जो लिंक दिया है आपको व्हाट्सएप में दिया हुआ है। ओपन हो रहा है, जी
साइन अप कर लीजिए। कितने लोग साइन अप कर लिए? कुछ लोग नजर आ रहे हैं यहाँ पे, गेस्ट गेस्ट। अब कोई एक टॉपिक बताइए मुझे, कॉमन टॉपिक, कोई एक टॉपिक सिंपल सा बताइए जो प्राइमरी स्कूल का है। कलर, ठीक है, कलर, कलर को आप कुछ भी लिखिए, प्लस साइन है ना वहां पे, क्लिक करके कुछ ऐड कर दीजिए। तो साइन अप करना पड़ेगा? साइन अप करने की जरूरत नहीं, गेस्ट सब लोग आ चुके हैं। नहीं, कर दिए तो बेहतर है, कर दिए तो बेहतर है। अपने गूगल अकाउंट से साइन करना है, साइन इन करना है। हाँ, जो भी ईमेल का आईडी है उससे साइन अप कर लीजिए। तो ऑल करना पड़ेगा जी, व्हाट्सएप ग्रुप में है ये, प्लस खोल दीजिए। जैसे कलर, कलर का मतलब समझिए, मैं ग्रीन कलर लिख रहा हूँ, ठीक है। ग्रीन कलर का एग्जांपल, ग्रीन कलर क्या होता है, कोई ग्रीन कलर का कुछ बताइए। पत्ती होता है, तो लीफ। हाँ ठीक है, लीफ, लीफ में, लीफ कौन कौन से तरीके के होते हैं, लार्ज साइज, लार्ज साइज, फिर हो सकता है कि ये जो है शॉर्ट साइज, तो उसका शेप अलग हो सकता है। लीफ जो है, लीफ का शेप अलग हो सकता है। हाँ कर दीजिए, लीफ का आपने और क्या कहा, लीफ का साइज एक हुआ और माइंड मिस्टर, लीफ हो गया। कुछ भी ऐड कर दीजिए आप। देखिए यहाँ पे कलर हमारा समझिए कि सेंट्रल थीम है, ठीक है, कलर सेंट्रल थीम है जिसमें ग्रीन कलर लिखा। अब कोई और कलर लीजिए आप, यहाँ पे ऐड करिए, कौन सा कलर, रेड, ठीक है, रेड, रेड में एक एग्जांपल बोलिए। हाँ ब्लड, ब्लड, ओके ठीक है। और कोई कलर, हाँ पर्पल, वेरी गुड, पर्पल कलर ऐड कर दिया है। रेड कलर किसी ने किया, रेड डबल हो गया, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। देखिए इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे डिलीट करता हूँ तो रेड चला जाएगा एक और, ठीक है। ये माइंड मैपिंग है, माइंड मैपिंग के बारे में और दोबारा डिस्कस करेंगी मैडम, ठीक है। सर कल सुबह इनका आईसीटी लैब जी, बस सर हो गया फाइनल, एक एक्टिविटी बता रहा हूँ सर, ठीक है। पर्पल का कोई एग्जांपल बताइए। आज अच्छा नहीं आ रहा है, इसीलिए कल वाला क्लास वहां पे लेते हैं। अब आ गया, देखिए हाँ अब आ गया, आपके इसमें सिस्टम में भी आ गया होगा, फ्लावर आ गया। ब्लू वाला एक कुछ एग्जांपल बताइए, टी शर्ट, ठीक है, जो आप सही समझे। देर इज नो नथिंग लाइक राइट और रॉन्ग। क्यों नहीं आ रहा है, नहीं पता चल रहा मुझे, आप सिस्टम पे हो तो एंटर मारने से आता है, आप एंटर उसका ऑप्शन कुछ है क्या, देखिए अच्छा इसको आप चेंज करना चाहें, फॉर्मेट चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। देखिए ये एक शेप है, ठीक है, आप स्क्रीन पर देखें, ये एक शेप है, ये शेप है ओशियन, फिर सनसेट है, विंटेज वाला शेप है, पेस्टल, ब्लैक बोर्ड वाला भी शेप है। देखिए यहाँ पे पूरा स्क्रीन आपका ब्लैक हो गया, ब्लैक बोर्ड का शेप आपको दे रहा है। लेकिन इसमें क्या है कि सिर्फ तीन ही, आप किसी ने अंडू कर दिया तो जो है इसमें तीन ही आप बना सकते हैं माइंड में, कोई बात नहीं, ऐसा होने से ये इंटरेक्टिव रहेगा।
नहीं, इंटरेक्टिव तभी होगा। अब इसमें ये है कि आपको यहाँ ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट चीज़ ये है आपको जानने की कि इस तरह के तीन ही माइंड मैप आप बना सकते हैं, तीन माइंड मैप्स है, ज़्यादा नहीं बना सकते। अगर और इसको डाउनलोड करने की गुंजाइश नहीं है, डाउनलोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप इमेज डाउनलोड करना पड़ेगा। अब आप छोड़ दें, स्टॉप कर दें इसको। ओके हाँ, आप लोग करके लाना कल सुबह में जब आओगे, कुछ ये बना के लाना, इसके माइंड मैप्स बना के लाना, ठीक है। ये देखो आ गए, यहाँ पे प्रिंट लेने की ये फैसिलिटी नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट स्क्रीन प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे प्रिंट स्क्रीन प्रेस करने से, यहाँ पे की प्रेस करने से, या तो फोटो ले सकता हूँ मैं, या तो वीडियो का ले सकता हूँ। अब मुझे लेना है फोटो में सिलेक्टेड लेना है, ठीक है। एक रेक्टेंगल बना के मैं सिर्फ रेक्टेंगल का फोटो लूँगा, तो ये फोटो मैं, हो सकता है मैं जब पीपीटी प्रेजेंट करूँ मैं इसका इस्तेमाल करूँ, जब बच्चों से इंटरेक्ट करूँगा उसका इस्तेमाल करूँगा। ये फोटो कहाँ जाता है, ये मेरे फाइंड एक्सप्लोरर में मैं जाऊँगा, मेरी स्क्रीन कहाँ पे विजिबल है, पिक्चर्स में जाऊँगा, पिक्चर्स में स्क्रीनशॉट का एक फोल्डर है, बहुत सारे मेरे फोटोज़ हैं उसके अंदर। सबसे आखिरी फोटो ये देखिए, इतने सारे मैंने इस्तेमाल करके बहुत सारे माइंड मैप्स करके प्रेजेंटेशन वगैरह बनाए हैं। ये आपका फोटो है, इसको आप अपनी स्लाइड पर डाल सकते हैं, ठीक है, आप अपने प्रेजेंटेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। जी शेयर, देखिए वो पेड सर्विसेज हैं, वो आपको नॉर्मली अवेलेबल नहीं है, वही शेयर करने के लिए जो है पेड मेंबर बनना है। मैं फ्री वर्जन की बात कर रहा हूँ, फ्री वर्जन में सिर्फ तीन ही आप कर सकते हैं, तीन ही इस तरह के बना सकते हैं माइंड मैप। अगर तीन से ज़्यादा बनाना है तो आप क्या करेंगे, आप उसको दोबारा जो है, कहाँ चला गया मेरा, बंद हो गया स्क्रीन, बंद हो गया है, तो जो है आप उसको डिलीट करेंगे, डिलीट करके दोबारा नया बनाएंगे। ओके, दिस यूट्यूब चैनल प्रोवाइड्स एजुकेशनल टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंसाइट्स, मोटिवेशनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल वीडियोस। टू गेन मोर इंसाइट्स एंड पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। सी यू सून।